नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। आप सभी जानते हैं कि एशिया कप का आगाज हो चुका है और आज यानी कि 27 तारीख को श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच ये मुकाबला होगा। शाम 7:30 बजे मैच की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि 28 तारीख पर हर किसी की नजर है, वो इसलिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान पूरे एक साल के बाद आमने सामने ये टीम होगी और आज का जो मुकाबला है उसके बाद जो दूसरा मुकाबला होगा वो महा मुकाबले के तौर पर देखा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया के लिहाज से अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से वहां पर यूएई में दोनों टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन पल पल की जो अपडेट लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं और तस्वीरों के जरिए भी किस तरीके से टीम इंडिया के चाहे वो कप्तान हो, विराट कोहली हो या फिर केएल राहुल, ये तमाम खिलाड़ी वो हों कि किस तरीके से वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब फिलहाल कल मैच होना है भारत और पाकिस्तान के बीच और बड़ी बात ये भी है कि कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन कौन वो खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान के लिहाज से अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि शाहीन शाह अफरीदी जो एक तेज़ गेंदबाज हैं और उनकी गेंद का कमाल या फिर यूँ कहा जाए कि उनकी गेंद के चर्चे तो हर जगह हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलहाल इंजर्ड होने के कारण वो बाहर हैं। वहीं भारत के लिहाज से बात की जाए तो बुमराह जो एक बहुत स्टार तेज़ गेंदबाज के तौर पर उन्हें देखा जाता है वो भी इंजर्ड होने की वजह से बाहर है। अब कुल मिलाकर अगर दोनों गेम की बात की जाए, दोनों टीमों की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प वो मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो सोचिए कि दो मुल्कों की आवाम के साथ साथ पूरी दुनिया की नज़र उस मैच पर होती है कि आखिर किस तरीके से कौन टीम किसको मात दे रही है। हालांकि उम्मीद तो पूरी तरीके से यही है। और जब आपको बता दें कि यूएई में केएल राहुल ने, वाइस कैप्टन जो है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो आने वाले मैच में यानी कि 28 तारीख को जो मैच होगा वहाँ पर हम पहले बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि आज भी रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, शाम के 5 बजे के लगभग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बड़ी बात यह है कि वहां पर टीम इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से टीम इंडिया पाकिस्तान को धूल चटाएगी। क्योंकि मुकाबले की जब भी बात होती है, 2021 में हमने देखा था कि पाकिस्तान ने पूरे 10 विकेट से टीम इंडिया को आउट कर दिया था, यानी कि यूं समझा जाए कि सूपड़ा साफ हो गया था और उसी बात का, उसी चीज़ का बदला लेने के लिए इस बार टीम इंडिया पूरी तरीके से अपने दमखम के साथ वहां पर प्रैक्टिस कर रही है। हालांकि कई वीडियो ऐसे भी हैं जहां पर क्रेज़ जो फैंस का है वो भी वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्साह बढ़ाने के लिए और उनको वार्म अप करने के लिए वहां पर कई फैंस वहां पर मौजूद हैं। और देखिए जिस तरीके से रोहित शर्मा, विराट कोहली, काफ़ी वक्त के बाद विराट कोहली, केएल राहुल ने को हमने देखा था जिम्बाब्वे के खिलाफ जब उन्होंने मैच खेला था, उनकी फॉर्म को लेकर कई तरह की बातें भी आ रही थी। वहीं विराट कोहली भी जो खुद ही एक विराट है और इंतज़ार हर किसी को यह है कि विराट कोहली अपनी फॉर्म में वापसी करेंगे। तो फिलहाल आज के मैच का आगाज तो श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच महामुकाबले से होगा। कई फैंस भी बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, क्योंकि पहले अगर यूएई की बात की जाए तो पहले यूएई से पहले कहा जा रहा था कि जो मैच होना था वो श्रीलंका में होना था, लेकिन वहाँ पर कुछ क्राइसिस की वजह से ये डिसाइड किया गया, ये निर्णय लिया गया कि मैच को दुबई में किया जाएगा। तो जब टीम इंडिया वहाँ पर पहुँची थी तो वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से उनका स्वागत वहाँ पर किया गया था, लेकिन अब जो बारी है वो महामुकाबले की, यानी कि 28 तारीख को कल शाम को जब दोनों टीमें मैदान में होंगी और कौन किस पर भारी पड़ेगी ये एक बड़ा सवाल होगा। आप कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दे सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन टीम किस पर भारी पड़ने वाली है। अपनी राय जरूर दें और साथ ही जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।